मांझी महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा मांझी छठ घाट का नाव पर चढ़कर निरीक्षण किया गया। साथ ही उन्होंने संवाददाताओं को एक भेंटवार्ता में जानकारी दी कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मांझी रामघाट पर दूर दराज से छठ करने के लिए यहां पर आते हैं। उन्होंने सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि घाट पर एम्बुलेंस की व्यवस्था के साथ नाव की व्यवस्था का भी निर्देश दिया। उक्त मौके पर संजय सिंह, विनय सिंह, निरंजन सिंह, धर्मेंद्र सिंह उर्फ समाज इत्यादि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। जहाँ जहाँ बोरा जैसे देखे उस तरफ बोरा हमको लगता है कि माने कोई यूज नहीं है और तत्काल नहीं हो तो उस बोरा नीचे कर दिया नहीं और वहाँ तो नहीं इस साइड में करिए और कंट्रोल कर करके सर आपसे मांग प्रति आस्था के साथ व्रत करते हैं और कहीं कोई अपने स्तर से भी हर प्रिकॉशन लोग रखने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्रत के अवसर पर इस तरीके से राज्य की सरकार आपने देखा होगा कि लगातार मुख्यमंत्री जी भी घाटों की दौरा कर रहे हैं, जिला प्रशासन भी घाटों का दौरा कर रहे हैं। हम सब व्यक्तिगत तौर से प्रतिवर्ष इस घाटों का दौरा करते हैं और जहां कोई कमी बेसी होती है तो उसका पूरा करने का भी काम करते हैं। इस बार भी जो भी कमी बेसी होगी आज के देखने में वह दो दिन का समय पूर्ण हो जाएगा, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। किसी भी व्रति को कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है। सर आपको कैसा लगा नाव पर चढ़ करके? नहीं, नाव पर तो मैं पहले से भी चढ़ते रहता हूँ, आप तो देखे ही हैं, लेकिन यह तो एक कोई आनंद का विषय नहीं, एक देखने का विषय, दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है जहाँ से हम देख सकते हैं। कटाव का जो जगह है उसको आगे से देख नहीं सकते, फिर पानी में नाव पर रहेंगे तभी देखें कितना कटाव, कहीं कहीं तो अभी भी 8 फीट 10 फीट 15 फीट पानी है। घाट पर नाय लगी है तो आप ये समझिए कि 6 फीट 7 फीट पानी है तभी लग पाएगी, क्योंकि नाय का भी एक सीमा है, अगर 2 फीट पानी हो तो लग नहीं पाएगी, आ नहीं पाएगी नाय यहाँ, क्योंकि नाय से दियरा से संबंध रहने की वजह से नाय के बारे में तो मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, घाटों के बारे में जानता हूँ कितना पानी में कौन नाय जाएगा। अभी बाबा मदेश्वरनाथ घाट पर जाना था तो आगे दलदल है, इसके वजह से वहां नाय को थोड़ा आगे बढ़ा करके ही रोकना पड़ा, लेकर के आना पड़ा, इसलिए दलदल में नाय फंस जाएगी तो सबको परेशानी होगी। लेकिन यह सारे परेशानी और सारे व्यवस्था हम एक छठ व्रत के साथ आगे जो कार्तिक पूर्णिमा का भी समय आता है उस पर भी इस पर ध्यान रहता है। यहाँ पूर्णिमा के समय भी लोग आते हैं मेला में बड़े, तो उसमें भी यह आज की तैयारी या छठ व्रत की तैयारी उस दिन तक भी कामयाब हो जाता है, उस दिन तक भी यह सफल हो जाता है। मैं अब दोनों के छठ के आस्था का महान व्रत को भी व्रति को कोई दिक्कत न हो इसका पूरा का पूरा चाक चौंध व्यवस्था किया जा रहा है और कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी, यह पूरा प्रयास है। थैंक यू। श्री प्रकाश ऑर्नामेंट्स छपरा में आपका स्वागत है। नमस्ते, श्री प्रकाश ऑर्नामेंट्स के सारे ग्राहक बंधुओं को आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं, एक साल बाद फिर से हम प्रकट हो गए हैं धनतेरस ऑफर के साथ साथ, जो हमारा चलता है श्री प्रकाश ऑर्नामेंट्स का खूब खरीदो खूब जीतो ऑफर, जिसे हम धनतेरस बोनांजा खूब खरीदो खूब जीतो ऑफर के नाम से जानते हैं। इसमें छोटी चीज होती है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, 1000 रूपये से ऊपर की चीज खरीद सकते हैं और आपको एक लकी ड्रॉ कूपन मिलेगा। उस कूपन के तहत ड्रॉ होता है, उस ड्रॉ में आप मोटरसाइकिल से लेकर टीवी फ्रिज जो भी छोटे मोटे सामान हुए, इस बार 150 लोगों को प्राइज मिलना है और वो भी 3 दिन के अंदर, यानी कि छठ पूजा से 2 दिन पहले हम लोग लगभग इसका ड्रॉ कर देंगे और उस दिन डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। क्योंकि लेट करने से हम लोग का होता है कि जैसे पिछले साल हम लोग का होली में ऑफर ड्रॉ होने वाला था वो ड्रॉ नहीं हो पाया था और उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं, और उस पिछले साल का और इस साल का दोनों एक साथ ड्रॉ जो होगा हम लोग करके आप सारे लोगों को देंगे। हम सारे लोगों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं, धनतेरस दीपावली की देना चाहते हैं, आप लोग आए और जरूर खरीदारी करें। श्री प्रकाश ऑर्नामेंट शुरू से आपका साथ देते आया और देते आएगा और शुद्ध क्वालिटी का सोने देने का वादा करता है। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।